निस्वार्थ सेवा है। पहले बताया कोई इच्छा नहीं है देना, देने वाले देवता, लेने की इच्छा लेवता। मुझे कुछ मिलना चाहिए, दुआएं मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान देगा। और हमारी भी नहीं, भगवान की धन देने हैं, मेरी नहीं, आपने किसने लाया नहीं कुछ, भगवान का धन हम भगवान के बच्चों को दे रहे हैं, मेरा नहीं, उसी का धन उसी के बच्चों को, तेरा ही तुझको अर्पण। हाँ क्या लागे मेरा, मेरा क्या है, तेरा ही तुझको। आप लेके रहते कुछ ले जाएंगे, श्री तेरा, तेरे तेरा ही तेरे बच्चों को ले, सबके सेवा में अर्पण। ये निस्वार्थ भाव चाहिए, इसको कहते हैं सुकर्म, पुण्य का कर्म। ये सब लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ एक कर्म आता है श्रेष्ठ कर्म। वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद, श्रीमत के द्वारा जो कर्म करते हो, एक का 21 जन्म तक एक का पदम गुना फल मिलता है। भगवान की श्रीमत के अनुसार जो सेवा करते हो, भगवान अविनाशी, वो जो श्रीमत देता है वो भी अविनाशी, उसका फल भी अविनाशी। अगर उसका श्रीमत छोड़कर मेरे मन मत से करते हो, मुझे अच्छा लग रहा है, एक का एक गुना, एक का पदम गुना चाहते हो। सवेरे उदाहरण दिया था, ये दोनों भाई 100 रुपया लेके बैंक में जा रहे हैं। एक भाई ने कहा मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो, ये भाई ने कहा मेरा 100 रुपया एक साल के लिए रख दो। एक शब्द ऐड किया, इसको 110 रुपया मिला, इसको 100 रुपया मिला। क्यों? एक ही बैंक, एक साथ, एक ही व्यक्ति को दिया, अंतर क्या? एक शब्द। भंडारे में पैसे डालते हो आप भी, शिव बाबा आपके सेवा के लिए, शिव बाबा ने वादा के बच्चे एक का पदम गुना दूंगा। अगर आप भंडारे में कुछ डालते हो, बहन जी ने कहा था कल ये सेवा होने वाले, सेवा करो, तो बहन जी को याद करते हुए सेवा में भंडारे में डालो तो बहन जी देंगी। किसके याद में सेवा किया वो जरूरी है। मनुष्य दान करते है, गरीब है इसलिए दान कर रहे हो, नहीं, भगवान का बच्चा है ये समझ कर अगर दान करते हो, आत्मा को दे रहे हो, श्रीमत के अनुसार करते हो। देख लो महाभारत में आता है, आप कहेंगे रास्ते पर जाते हो एक गरीब है, आपने 10 रुपया दे दिया, दान किया ना, चलेगा? उसने जाके तंबाकू खाया, शराब पिया, उस कर्मों का फल आपके ऊपर है। इसलिए महाभारत में आता है, भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया, तीर चुभ रहे थे, श्री कृष्ण खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, मेरे लिए क्यों दुख मिल रहा है, मेरे लिए कोई शैया नहीं मिली। तब कहा श्री कृष्ण, जानता है त्रिकालदर्शी, उन्होंने कहा है भीष्म पिता, आपने बचपन में आप रथ चलाते थे, घोड़े गाड़ी, रथ, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपका मन स्वच्छ था, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुरंत रथ को रोका और सांप को बाजू में किया, उठा के बाजू है, रस्ते के बाजू में कांटे के जड़ होते, उनका लक्ष्य क्या था, हिंसा नहीं करनी है, उठा के बाजू में किया, कहां गिराओ, जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर पर लग रहे हैं। तो उन्होंने कुछ गलत किया, गलत किया नहीं, अगर गाड़ी को ले जाता था सांप मर जाता था, हिंसा हो जाती थी, हिंसा नहीं किया, बचाया, बचाने कितना किया, लेकिन बचाने के बाद कहां फेंका उसको, वो भी जानना।